आज तक लोग सोलर पैनल अपने जरूरत के लिए लगाते थे, लेकिन अब पशु पक्षियों के लिए भी लगाया जा रहा है। ऐसा ही कहानी वगनान, जो वेस्ट बंगाल के हावड़ा से 50 से 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां पर डॉक्टर आकाश ने अपने घर पर सोलर पैनल लगाकर अपने पशु पक्षियों की जान बचाई। डॉक्टर आकाश एनिमल लवर है। वह अपने घरों पर कई तरह के पशु पक्षी रखे हुए हैं, जिनमें से लगभग 100 से ज़्यादा चिड़ियाँ हैं, 6 से 7 डॉग्स हैं, बिल्ली है और सभी एनिमल्स हैं। उनका कहना है कि आज भी हमारे एरिया में 8 से 10 घंटे की पावर कट रहती है, आदमी किसी तरीके से रह लेते हैं लेकिन पशु पक्षी नहीं रह पाते हैं। उनका यह भी कहना है कि पिछले साल जब अम्फान आया था, उस समय कई दिनों तक बिजली बिल्कुल नहीं था, जिस समय कई पशु पक्षी मर गए थे। इन सभी प्रॉब्लम को देखते हुए सोलर पावर लगाना हमने उचित समझा है। जब उनका निर्णय हो गया, तब वह अपना सोलर का रिसर्च स्टार्ट किए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आता है, कौन सा सोलर सिस्टम लगाना है, कितने किलोवाट का लगेगा, कितने बैटरी वाला लगेगा, कितने किलोवाट का इन्वर्टर होना चाहिए, पैनल स्टैंड लगेगा तो कौन सा लगेगा, वायर लगेगा तो कितने मीटर का लगेगा, लाइटिंग अरेस्टर लगना चाहिए या नहीं। इन सभी बहुत सारे उनके मन में डाउट्स था। सोलर में इन सभी जानकारी के लिए उन्होंने इंटरनेट का हेल्प लिए। तब उनको लूम सोलर के बारे में पता चला और लूम सोलर टीम से बात करने के बाद अपने नजदीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो रितेश घोष हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई। जब रितेश घोष उनके घर पर विजिट के लिए गए, उनकी पूरी जरूरत को समझे, तब उन्होंने एक सोलर सिस्टम डिजाइन किया। इस सोलर सिस्टम में लूम सोलर का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल शार्क बाइफेशियल सजेस्ट किया गया, जो दोनों साइड से बिजली बनाता है, और इसके साथ हाई राइज पैनल स्टैंड, जिससे उनका छत थोड़ा सा भी नुकसान न हो। इसके साथ लगाया गया 5 KVA का सोलर इन्वर्टर, जो MPPT टेक्नोलॉजी में है, और उसके साथ 150 एम्पियर की 4 बैटरी दिया गया, जो सोलर से डायरेक्ट 24/7 उनकी पशु पक्षियों के लिए मशीनरी ऑटोमेटिक चलता रहे। आज लूम सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन हो रहा है, जिसमें एक एक स्टेप आपको बताया जाएगा। एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने में कितने स्टेप को फॉलो किया जाता है, तो नंबर 1 प्रोडक्ट लिफ्टिंग। प्रोडक्ट लिफ्टिंग में बहुत सावधानी से ग्राउंड से रूफटॉप पर सोलर पैनल को चढ़ाया जाता है। इसमें सावधानी ये रखना पड़ता है कि कोई भी सीढ़ी का कॉर्नर सोलर पैनल के कॉर्नर से टकराए नहीं, नहीं तो सोलर पैनल टूट सकता है। इसी सावधानी से 1x1 सोलर पैनल को ग्राउंड से रूफटॉप पर चढ़ा दिया गया। यहाँ पर सोलर पैनल छत पर आ चुका है। अब हम करेंगे सोलर पैनल स्टैंड को फिटिंग। सोलर पैनल स्टैंड यहाँ पर कस्टमाइज है, हमारे साथ फैब्रिकेटर भी आए हुए हैं। अब यहाँ पर सोलर पैनल के माउंटिंग होल को नाप कर हम पैनल स्टैंड में होल करेंगे और उसको वेल्डिंग कर देंगे। जब हमारा वेल्डिंग कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद एक एक सोलर पैनल को पैनल स्टैंड पर टाइट करेंगे। अब हम करेंगे वायरिंग। वायरिंग करने से पहले DC वायर को MC4 कनेक्टर से टाइट करेंगे। यहाँ पर क्लिपिंग टूल का यूज करेंगे, जिससे सोलर वायर और MC4 कनेक्टर प्रॉपर टाइट हो। सोलर पैनल की वायरिंग इन्वर्टर के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग पैरेलल और सीरीज कनेक्शन करके कर दिए हैं। यहाँ पर DC/DC का यूज किए हैं, जहाँ पर प्रॉपर MCB और SPD दोनों है। SPD की माध्यम से DC/DC में DC/MCB और SPD होता है। SPD की माध्यम से अर्थिंग वायर अर्थिंग में चला जाता है, तो इसके बाद हम अर्थिंग करेंगे, और अर्थिंग के लिए यहाँ पर एक अर्थिंग किया गया है। अब लास्ट में करते हैं कमीशनिंग, इन्वर्टर बैटरी का कनेक्शन। इन्वर्टर बैटरी के पास में एक DC/DC हम लगाए हैं। यहाँ पर अब इन्वर्टर बैटरी का कनेक्शन करेंगे। इन्वर्टर बैटरी कनेक्शन हो चुका है। अब इन्वर्टर बैटरी कनेक्शन होने के बाद सिस्टम को मेन ग्रिड से कनेक्ट कर देंगे और ऑटोमेटिक सारा घर का अप्लायंसेस इस पर चलने लगेगा। यह सोलर सिस्टम लगाने में सुबह से लेकर शाम तक हो गया था। यहाँ पर कई बार लाइट चली जाती थी, जिसके कारण यहाँ पर टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो पाया है उस समय। अगले दिन यह सोलर सिस्टम सही चल रहा है और जो भी जरूरत थी वह पूरा हो रहा है। आप भी चाहते हैं अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाना,
तो आज ही संपर्क करें loomsolar.com और अपने नजदीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।